नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गार्गी। नवरात्र से शुरू हुआ पर्व और त्योहारों का दौर अभी जारी है। दुर्गा पूजा, करवा चौथ, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, चित्रगुप्त पूजा के बाद बारी आती है छठ पूजा की। वैसे तो दिवाली के तुरंत बाद ही छठ का माहौल बनने लगता है। बाजार में छठ पूजा के सामान बिकने शुरू हो जाते हैं। चूंकि छठ में सर्वाधिक महत्व स्वच्छता का है, तो हर और साफ सफाई भी दिखनी शुरू हो जाती है। लोग सड़कों से लेकर गलियों तक के कूड़ा कचरा साफ कर उसे स्वच्छ बनाते हैं, ताकि छठ व्रतियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि बहुत सारे छठ व्रती कष्टी भी देते हैं। छठ पूजा का त्योहार मूलतः पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन अब इसकी महिमा पूरे देश के साथ साथ विदेशों तक में फैल गई है। क्या अमेरिका और क्या इंग्लैंड, हर जगह छठ का त्योहार मनाया जाने लगा है। छठ की महिमा इसलिए भी सर्वाधिक है क्योंकि इस पूजा में अस्ताचल और उदयचल दोनों सूर्य की पूजा होती है, यानी डूबते और उगते दोनों सूरज की पूजा होती है। छठ पर्व का जो पहला अर्घ होता है वो अस्ताचल यानी डूबते सूरज की पूजा के साथ शुरू होता है, और व्रती अस्ताचल सूर्य को अर्घ देकर उनकी पूजा कर अगले दिन उनके उगने का इंतजार करते हैं, और फिर उदयाचल सूर्य की पूजा करते हैं। उन्हें अर्घ देकर ही पूजा संपन्न की जाती है। इस दौरान भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा करते हैं। महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और खुशहाल जीवन के लिए 36 घंटे तक निर्जला व्रत करती हैं और फिर चौथे दिन व्रत का पारण करती हैं। छठ पूजा का व्रत बेहद ही कठिन और फलदायी माना जाता है। आइए जानते हैं इस बार कब है छठ पूजा और किस दिन होगा नहाए खाए। छठ पूजा की शुरुआत नहाए खाए से होती है, जिसे कद्दू भात के नाम से भी जाना जाता है। हर साल दिवाली के दिन चौथे दिन यानी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन नहाए खाए होता है। इस साल नहाए खाए 28 अक्टूबर को है और इस दिन नहाए खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत होगी। नहाए खाए के दिन घर की, खास तौर पर रसोई की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। जो कि व्यक्ति छठ पूजा का व्रत कर रहा है वो पवित्र सरोवरों या नदियों में स्नान करने के बाद ही भोजन ग्रहण करता है, और उसके भोजन ग्रहण करने के बाद ही घर के अन्य सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं। इस दिन कद्दू की सब्जी खाने का विधान है। नहाए खाए के बाद यानी छठ पूजा के दूसरे दिन खरना होता है, जो कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस बार खरना 29 अक्टूबर को है और इस दिन व्रती सुबह स्नान आदि कर दूसरे दिन का व्रत करते हैं। इस दिन भगवान सूर्य का पूजन किया जाता है। इस दिन भोग के लिए गुड़ की खीर बनाई जाती है। सबसे महत्वपूर्ण है कि ये खीर गैस चूल्हे, इंडक्शन हीटर पर नहीं, बल्कि मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी के आग जलाकर बनाई जाती है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि छठ पूजा की मुख्य तिथि होती है, और इस दिन व्रती शाम के समय पूजा की तैयारी करते हैं। इस बार अस्ताचल सूर्य को 30 अक्टूबर को अर्घ दिया जाएगा। पूजा के लिए बांस की टोकरी में अर्घ का सूप सजाया जाता है। फिर व्रती पूरे परिवार के साथ घाट पर जाकर पानी में खड़े होते हैं और डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। 30 अक्टूबर को सूर्यास्त का शाम को 5:37 पर है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन छठ पूजा का चौथा दिन होता है, और इस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस बार उदयचल सूर्य को 31 अक्टूबर को अर्घ दिया जाएगा। दिल्ली NCR में 31 अक्टूबर को 6:31 पर सूर्योदय का समय रहेगा। अर्घ देने से पहले व्रती भगवान सूर्य के दर्शन करते हैं और पानी में खड़े रहते हैं। इसके बाद उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है और लोगों में प्रसाद बांटे जाते हैं। बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।